अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का। तो कल फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहला वर्ड जो है वो पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, हर दिल अजीज़, यानी ऐसी चीज़ जो मशहूर हो और जिसे सारे पसंद करते हों। कस्टम का मतलब रिवाज होता है। हैंग अप का मतलब होता है लटकाना, हैंग अप लटकाना। साइंस अलामतें, साइन अलामत को कहते हैं, तो साइंस का मतलब अलामतें। पोस्टर इश्तहार, पोस्टर इश्तहार। कॉमन प्लेस, मामूल की बात या आम रिवाज होना, कॉमन प्लेस। सिंबलाइज अलामत, सिंबलाइज अलामत। पार्ट एक, हिस्सा लेना, जैसे टेक पार्ट जो होता है उसका मतलब भी हिस्सा लेना, पार्ट एक का मतलब भी हिस्सा लेना। ए नंबर ऑफ, बहुत सारे, ए नंबर ऑफ, बहुत सारे। स्पेसिफिक खास, मखसूस। स्पेसिफिक खास। सर्व पेश करना, सर्व पेश करना। टिपिकल मखसूस, टिपिकल मखसूस। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। लॉन्ग लास्टिंग, देर पा, देर पा का मतलब होता है देर तक रहने वाला, इसको कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। ये जो है डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग थे। अब इस कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग करते हैं दो पैराग्राफ की। चले, अच्छा जी, स्टार्ट। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना, डेकोरेट करना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह हमारे रिवाज हैं इनके भी मिलते जुलते हैं, ये घरों को डेकोरेट करते हैं। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, एक और पॉपुलर कस्टम है। पॉपुलर कस्टम का मतलब हर दिल अजीज़ रिवाज, एक और हर दिल अजीज़ रिवाज है। इज़ टू हैंग अप, लटकाना। साइंस अलामतें एंड पोस्टर्स और इश्तहारात ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर। विद द चाइनीज़ वर्ड फू, जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, रिटन ऑन देम। विच मीन, जिसका मतलब है लक, किस्मत एंड हैप्पीनेस, और खुशी। ठीक है, यानी ये भी एक वहाँ पर हर दिल अजीज़ रिवाज है कि वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तहारात लटकाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। समझ आ गई ना, यानी ये एक आम रिवाज है, हर दिल अजीज़ रिवाज है कि वो दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तहारात लटकाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, और इस चीनी लफ्ज़ फू का मतलब है किस्मत और खुशी। बाइंग फ्लावर्स, बाइंग खरीदना, फ्लावर्स फूल फॉर द होम, घर के लिए। इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी एक आम रिवाज है या मामूल की बात है। सिंस, क्योंकि दे सिंबलाइज, ये अलामत हैं, यानी जो फूल हैं ये अलामत हैं। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद, एंड ए न्यू बिगनिंग, और एक नए आगाज के। ठीक है जी, फूल खरीदना घर के लिए एक आम या मामूल की बात है, क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और एक नए आगाज़ की अलामत हैं। जो फूल हैं वो मौसम बहार की अलामत और एक नए आगाज़ की अलामत इसको समझा जाता है, इसलिए आम बात है कि वो घरों के लिए इस मौके पर फूल खरीदते हैं। उसके बाद है न्यू ईयर ईव डिनर, नए साल के मौके पर खाना। ईव का मतलब खाना जो है वो मौका भी होता है और शाम भी होता है। नए साल के मौके पर डिनर, शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, नए साल के, चीनी नए साल के मौके पर। इट इज़ कस्टम, भी ये रिवाज है, टू विज़िट रिलेटिव्स, विज़िट करना, जाना रिलेटिव्स रिश्तेदारों के घर। एंड पार्ट टेक, और हिस्सा लेना, इन अ लार्ज डिनर, एक बड़ी दावत में। वियर, जहाँ। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, बहुत सारे। स्पेसिफिक खास फूड, खाने आर सर्व्ड, पेश किए जाते हैं। चीनी नए साल के मौके पर, ये रिवाज है कि रिश्तेदारों के घर जाना और एक बड़ी दावत में हिस्सा लेना जिसमें बहुत सारे मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। समझ आ गई ना, जैसे हम ईद पे जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों, दावतें होती हैं, इसी तरह वो भी रिश्तेदारों के घर जाते हैं और एक बड़ी दावत में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस दावत की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारे खाने जो हैं वो सर्व किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर ए चाइनीज़ फैमिली, और ये टिपिकल है, मखसूस है एक चीनी ख़ानदान के लिए।
टू मेक 8 to 9 डिशेज, 8 से 9 खाने तैयार करना फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, नए साल के मौके पर खाने के लिए, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है देरपा, देर तक कायम रहने वाली। ठीक है, ये एक टिपिकल मखसूस बात है चीनी ख़ानदान के लिए कि 8 से 9 खाने बनाए जाते हैं नए साल के मौके पर खाने में, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर या देरपा रहने वाली है। ठीक है बच्चों, 2 पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ सारे बच्चे टेस्ट दिया करें, बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी तैयारी नहीं होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।